कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में देश में 3,320 नए मामले आए सामने, 95 लोगों की मौत। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या पहुंची 59,600 के पार। 17,847 लोग स्वस्थ हुए तो 1,981 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने लिया फैसला, अहमदाबाद भेजे गए एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। समस्या को लेकर डॉक्टरों को देंगे दिशा निर्देश। वंदे भारत मिशन के तहत आज विदेश से भारतीयों को लेकर आएंगी 4 फ्लाइट्स। लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने चलाया है वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान। बहरीन से 177 भारतीय लोगों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची कोच्ची। मध्य प्रदेश में फंसे कश्मीरी छात्रों के लिए अच्छी खबर, आज कश्मीर भेजे जाएंगे सभी छात्र। मध्य प्रदेश में फंसे थे करीब 600 बच्चे, गृह मंत्री अमित शाह ने दी घर वापसी की इजाजत, अपने घरों में मना सकेंगे ईद। दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से बिहार रवाना। प्रवासी मजदूरों के लिए रेल किराए को लेकर आम आदमी पार्टी और जेडीयू में ठनी। दिल्ली सरकार ने किया दावा, बिहार सरकार ने रेल का किराया देने से किया इनकार। पूर्णबंदी के तीसरे चरण के बाद की रणनीति को लेकर आज राजस्थान सरकार जिला स्तर पर करेगी समीक्षा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लेने का दिया आदेश। 10 राज्य के 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र के 5 और गुजरात के 4 अस्पतालों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 4 और तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब के 1-1 अस्पताल शामिल। अब जनता भुगतेगी कोरोना से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन का खामियाजा। हिमाचल प्रदेश में जल्द महंगी होगी बिजली, कोविड सेस लगाने की तैयारी में जयराम सरकार। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 4 नक्सलियों को किया ढेर। 1 AK-47 राइफल, 1 SLR हथियार और 315 बोर की 2 राइफल की गई बरामद। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर हुए शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार के बयान ने देश के सुरक्षा कॉरिडोर में मचाई हलचल। कहा, ठीक से काम नहीं कर रही है CRPF, आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स देती है सभी ऑपरेशन को अंजाम। कोरोना वायरस ने दुनिया में मचाई तबाही, संक्रमितों की संख्या पहुंची 40,12,000 के पार। 2,76,000 से ज्यादा हुआ मरने वालों का आंकड़ा, 13,85,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अमेरिका में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना वायरस, अब वायरस की चपेट में आई अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रवक्ता। अब तक 77,178 लोगों की जा चुकी है जान, 24 घंटे में 1635 मौतें। वैक्सीन बनाने के लिए साथ आए अमेरिका और जापान, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए मिलाया हाथ। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अर्थव्यवस्था को भी देंगे रफ्तार। कोरोना की वजह से अमेरिका चीन में बढ़ी तल्खियां हो सकती हैं खत्म। चीन अमेरिका ने दिखाई नरमी, प्रतिनिधियों के फोन पर बात करने से ट्रेड वॉर की आशंका हुई कम। इसराइल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सौंपी सरकार गठन की जिम्मेदारी। संसद ने पहले पूर्व सैन्य प्रमुख बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टियों के बीच सत्ता साझेदारी के समझौते को दी थी मंजूरी। कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबले के लिए धन इकट्ठा करने में जुटी सरकार, बाजार से कर्ज लेने की सीमा में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार बाजार से ले सकती है 12,00,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अधर में अटक सकता है एयर इंडिया का विनिवेश, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जताया अनुमान। सरकार ने जनवरी में मांगे थे एयर इंडिया के लिए रुचि पत्र। एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक ने भारत की मदद का किया ऐलान, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए $50 करोड़ के ऋण को दी मंजूरी। लॉकडाउन के दौरान नकदी संकट झेल रही चीनी मिल और किसान हुए परेशान, अगला साल भी टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, आर्थिक संकट में फंस सकते हैं देश के 5 करोड़ गन्ना किसान। और लॉकडाउन में फिक्स्ड डिपॉजिट में जमकर पैसा डाल रहे हैं लोग, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लॉकडाउन के दौरान FD में जबरदस्त वृद्धि की दर्ज, अपने पार्टनर इंडसइंड बैंक की साझेदारी के साथ 600 करोड़ का आंकड़ा किया पार।